हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इट विल बी अ कंप्लीट गाइड फॉर आवर एनआरआई फ्रेंड्स ऑल ओवर द ग्लोब। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के बारे में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको क्या बेनिफिट है? ये आपको एक हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इसमें इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी भी है। आप बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, जैसे आप डायरेक्ट ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बार्स या कॉइन्स खरीद सकते हैं, अलग अलग गोल्ड फंड्स होते हैं, ETFs होते हैं यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर SGBs में NRIs इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये रेसिडेंट्स के लिए है। तो इन सबको हम समझेंगे। इससे पहले हम जो गोल्ड रेट का ट्रेंड है थ्रू आउट द डेकेड्स वो देखते हैं। अगर हम 1970 से 2020 तक कंपेयर करें डिकेड बाय डिकेड, तो ग्रोथ बहुत ही ट्रिमेंडस रहा है। कंसिडरिंग 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट, तो ये 184 रुपीज़ जो 1970 में था वो बढ़ के अभी 51,430 हो गया है 2020 में इन दिल्ली। तो ये जो ट्रेंड है ये हमें यही दिखाता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है, बहुत ही रैपिड रेट के साथ ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इसमें कैसे इन्वेस्ट करें बीइंग एन एनआरआई ये समझते हैं। अब हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन इंडिया बीइंग एन एनआरआई, इस चीज पे फोकस करते हैं। हम बेसिक इन्वेस्टमेंट्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होगा फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और गोल्ड फंड्स। अब इन्हें समझते हैं, रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, बेसिकली इनमें पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, इस चीज पे एक बार नजर मारते हैं। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड की बात करें तो आप डायरेक्टली गोल्ड खरीदते हैं इन फिजिकल फॉर्म। ETFs में क्या होता है कि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने अकाउंट में स्टोर कर लेते हैं। एंड फाइनली गोल्ड फंड्स में क्या होता है, उस पर आप डायरेक्टली गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ बुलियंस। अब अकाउंट्स की बात करें तो स्पेसिफिकली ETFs को होल्ड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप शेयर्स होल्ड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ETFs भी आप इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करेंगे। बाकी फिजिकल गोल्ड और गोल्ड फंड्स के लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। चार्जेस की बात करें तो तीनों में कुछ ना कुछ चार्जेस आपको लगेंगे ही। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, असेट मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज फीस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ETFs, और फंड्स में आपको मिनिमम चार्ज रहना पड़ेगा मैनेज करने के लिए फंड्स को। लेकिन फिजिकल गोल्ड में आपको रिस्क ऑफ थेफ्ट रहेगा, आप घर पे रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, गोल्ड की चोरी बहुत कॉमन सी चीज है थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन अगर आप ETFs और फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई थेफ्ट का रिस्क नहीं है, चोरी का कोई डर नहीं होगा आपको। पेपर वर्क की बात करें तो अगेन गोल्ड फंड्स और फिजिकल गोल्ड में आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। हालांकि गोल्ड फंड्स में अगर आप KYC कंप्लायंट नहीं है देन पेपर वर्क रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए पेपर वर्क जरूरी है। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस की बात करें और उससे क्या फर्क पड़ेगा प्राइसेस पे, तो फिजिकल गोल्ड तो बिल्कुल बेसिस है, वहाँ का मार्केट फ्लक्चुएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं इन प्राइसेस के। अगेन ETFs में भी ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है जो गोल्ड प्राइस में चेंजेस आते हैं, लेकिन गोल्ड फंड्स एक ऐसी चीज है जिसपे प्राइसेस का कोई असर नहीं होता क्योंकि आप डायरेक्टली माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर SGBs यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो मैंने आपको शुरू में बताया कि NRIs इन्वेस्ट नहीं कर सकते फिलहाल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, लेकिन कुछ NRIs ऐसे हैं जो जब वो रेसिडेंट थे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और अभी वो जाके NRI बन गए, तो उनके लिए एक ये टिप है कि वो उन्हें रिडेम्पशन या मेच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं। बाकी इन सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग जो यहाँ पे केसेस हमने डिस्कस किए इन सबको हमने डिटेल में अपने एक आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया है। उस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक आई ऐड इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आप इन अलग अलग जो कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट की SGBs के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ पाए एंड देन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टैक्सेशन ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे दो केसेस हैं, पहला टैक्सेशन तो तब होगा जब आप गोल्ड खरीदते हैं, दूसरा वो केस है जब आपके पास पड़ा हुआ गोल्ड आप बेचते हैं। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। गोल्ड खरीदने के टाइम आपको 3% का GST देना पड़ता है, साथ ही साथ अगर आप मेकिंग चार्जेस पे करते हैं अगर कुछ है वैसा, तो ये दो पर्टिकुलर केसेस हैं जो आप पे करेंगे टैक्स इन फॉर्म ऑफ बाइंग गोल्ड। अब अगर गोल्ड बेचने की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। गोल्ड खरीद के आपने 3 साल के पहले बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन में आएगा, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म गेन में आएगा। इट इज वेरी सिंपल एज दैट।
अब हम टैक्सेशन की बात करें तो फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETFs और गोल्ड बॉन्ड सबका टैक्सेशन सेम होता है, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। अगर आपका गेन शॉर्ट टर्म है, यानी कि 3 साल से पहले आपने बेचा है, तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्सेस कटेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल के बाद आपने उस गोल्ड को बेचा है किसी भी फॉर्मेट में, वेदर इट इज फिजिकल गोल्ड, ETFs या बॉन्ड्स, तो वहां पे आपको 20.8% का टैक्स लगेगा, जिसमें सेस वगैरह इंक्लूड रहेंगे और आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये बेसिक टैक्सेशन था। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज ये है कि जो कैपिटल गेन्स आप अराइज करेंगे SGBs से, उनके रिडेम्पशन से, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के, तो वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। ये उन पर्टिकुलर NRIs के लिए है जिन्होंने SGBs में इन्वेस्ट किया होगा एंड अब वो बाहर जाके NRIs बन चुके हैं। साथ ही साथ आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, अगर पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है फ्रॉम 1% टू अनदर। ये नोटवर्दी पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंसिडरिंग टैक्सेशन ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एंड थैंक यू, डैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वंस अगेन मैं मेंशन कर दूं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर NRI से रिलेटेड जो कंप्लीट गाइड है, उस आर्टिकल का लिंक आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आप वो विजिट करें, स्टडी अबाउट इट इन डिटेल, एंड देन आपको कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी क्वेरीज हों, आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं वाया दैट आर्टिकल एंड वी विल सॉल्व योर डाउट्स। So thank you so much once again for being with me throughout the video. I hope to see you in my next one. Till then, take care.